नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षकों का लगभग 5 लाख पद खाली है यहाँ पर बिहार में, उसको भर्ती क्यों नहीं करनी कर रहे हैं ये लोग, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों लाना चाहते हैं? तो ये देखिए, नीतीश कुमार जी का जो पूरा शासन है ये युवाओं के खिलाफ। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। देखिए, बिहार में बेरोजगारी जो है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, और जो शिक्षक है, खासकर शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे वो STET के हों या CTET या TET वाले हों, हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शिक्षक दिवस पे लगभग हजारों की संख्या से ज़्यादा पटना में उतरे थे अभ्यर्थी और प्रदर्शन किया। इसी को लेकर हम राजद दफ्तर में हैं, बात करेंगे सुबोध मेहता जी से, जो राजद के नेशनल प्रवक्ता हैं। ये बिहार में क्या हो रहा है सर, शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के भविष्य बनेंगे उन्हीं के भविष्य पे लाठियां चल रही हैं और सड़कों पर। देखिए, बिहार में जो युवा हैं, युवा के खिलाफ ही ये नीतीश की सरकार का सारा जो है क्रियाकलाप है। चाहे वो पढ़ाई की बात कर ले, यंग बच्चे जो हैं हमारे 18 साल से लेके 24 साल तक, 1.25 करोड़ हैं इस प्रदेश में, और ये 1.25 करोड़ बच्चे हैं, और इस कॉलेज कितना है, 262 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। तो 262 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में आप ये सोच लीजिए कि कितने एक कॉलेज में कितने बच्चे होंगे। तो बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे प्लान करते हैं, माँ बाप का अपना जमीन बेचकर बच्चे बाहर पढ़ने पे मजबूर हो रहे हैं, और उसको साइकोलॉजिकल और मेंटल ट्रॉमा भी होता है दूसरे प्रदेश में, वहाँ अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, स्कूल, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, हायर स्कूल हो, या जो है कॉलेजेस हो, सब में जो है स्थिति जो है बद से बदतर हो चुकी है। प्राइमरी स्कूल का तो ये हाल है कि सब्सिडी वहाँ मिलती है, वहाँ तो फेक एडमिशन ही, आपको ऑन पेपर एडमिशन है, बच्चा है नहीं वहाँ पे, स्कूल में कमिटीज है नहीं, कमिटीज है भी तो उन्हीं फेक बच्चों का, जो पिता है वही कमिटीज में वहाँ इन्वॉल्व है। तो करप्शन पूरी तरह इन्वॉल्व है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि पूरे भारत में मात्र बिहार ही ऐसा एक प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ड्रॉप रेट है फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू हायर स्कूल। 60% बच्चे यहाँ ड्रॉप हो जाते हैं। क्यों ड्रॉप हो जाते हैं? या तो फेक एडमिशन है वहाँ यहाँ पे, या फिर गुणवत्तापूर्ण वहाँ शिक्षा नहीं मिल रही है। जिन शिक्षकों की आप बात कर रहे हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार उन शिक्षकों की मुद्दे को लेकर लगातार जो है, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बता तो रहे हैं कि लगातार बिहार के भविष्य के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी सड़क से लेकर सदन तक जो है अपना विरोध उन्होंने अपना दिखाया है, और राष्ट्रीय जनता दल बिहार के भविष्य को किस तरह से सुनिश्चित करे इसके प्रयत्न लगातार कर रही है। देखिए, इनका जो हायर एजुकेशन का भी जो सिस्टम है, तो आप 262 कॉलेज है सर, ठीक है, बट शिक्षकों का क्या होगा, आप लोग अब क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, हम लोग तो लगातार जैसी हमारी बात ही हुई थी कि जैसे ही हम लोग सरकार में आएंगे 1,00,000 रोजगार देंगे जी, अब तो है, इसमें शिक्षा की बात थी। तो लगातार जो हम जो अपोजिशन के साथ रहकर, अपोजिशन में रहकर जिस तरीके से बातों को उठा रहे हैं, लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जहाँ और जैसे भी हो, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार उन शिक्षकों के साथ खड़ी है, और लगातार संघर्ष है, और लगातार हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षकों का लगभग 5 लाख पद खाली है यहाँ पर बिहार में, उसको भर्ती क्यों नहीं करनी कर रहे हैं ये लोग, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों लाना चाहते हैं? तो ये देखिए, नीतीश कुमार जी का जो पूरा शासन है ये युवाओं के खिलाफ का शासन है। इसी युवाओं के जो है शुभचिंतक बनकर हम लोग जो है बिहार का भविष्य को बचाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। देखिए, जो नीतीश कुमार का शासन है वो युवाओं के खिलाफ का शासन है। हम बिहार के भविष्य को बचाने के लिए हमेशा चिंतन और प्रदर्शन, जो भी जैसा भी बनता है, जो रास्ता है, वो करते रहेंगे। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।